Hello, welcome you all in the e-learning of TTC and LRDC. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at Department of Technical Education, Rajasthan. आज हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में स्टडी किया था. दैट इज इक्वल टू एनपी फाइव अपॉन 16 टू जेड अपॉन ए. आज हम स्टडी करें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर के बारे में. तो कुछ ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं डीसी जनरेटर के बारे में, जिसमें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर को मैंने अच्छे से समझाया है. उसके बाद में अलग अलग आपके टाइप्स के जो जनरेटर्स होते हैं उनके डायग्राम्स, उनकी ईएमएफ इक्वेशन, उनकी सर्किट इक्वेशंस के बारे में, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हैं वो भी हम कवर करेंगे. लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर को और उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल. तो डीसी मोटर बेसिकली क्या है? डीसी मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस. इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इनपुट लेगी और आउटपुट में आपको क्या देगी, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में देगी. इन विच इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आउटपुट इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अगर इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे इनपुट क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये डीसी मोटर है, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगी. तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं. तो वर्किंग प्रिंसिपल के लिए बेसिकली जो कॉन्सेप्ट काम में आता है वो है आपका एक तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, और दूसरा आता है लॉरेंज फोर्स. तो लॉरेंज फोर्स की भी मैंने कुछ क्लासेज के अंदर बात की थी. तो लॉरेंज जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है कि जो लॉरेंज फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल काम में लिया था. जनरेटर के लिए हमेशा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज में लिया जाता है, और मोटर की अगर केस होगा तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज में लिया जाएगा. तो ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका है. तो इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये बोलता है कि द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैकेनिकल फोर्स. यानी क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी अगर कोई कंडक्टर है उसको, और वो करंट कैरी कर रहा है, और उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप प्लेस कर दिया है तो वो हमेशा क्या करेगा, मैकेनिकल फोर्स को फील करेगा या मैकेनिकल फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. तो जो डायरेक्शन होगी उस मैकेनिकल फोर्स की वो हम निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से. और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय एफ इक्वल टू बी आई एल. तो बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वेबर पर मीटर स्क्वायर. आई क्या है आपका, उसकी लेंथ, एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर. आई इज द करंट जो कि उसके अंदर फ्लो हो रही है, और एल क्या है आपका, एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और द डायमेंशन ऑफ दिस इज इन द न्यूटन. तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या बताता है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको दिया हुआ है. इसके अंदर तीन, दो फिंगर्स काम आएगी, एक थंब काम आएगा. थंब क्या बताएगा आपका, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्ट ऑफ मोशन या आपका थ्रस्ट. ओके, और ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगी आपको, और लास्ट वाली जो है वो बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट. तो बेसिकली जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या थ्रस्ट को बताएगा, फर्स्ट फिंगर है फील्ड को बताएगा, और रिमेनिंग जो डायरेक्शन आपकी फिंगर है मिडिल फिंगर दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो टी थंब है और उसी से थ्रस्ट आपको निकल रहा है, यानी टी और टी मैचिंग हो रही है. मतलब याद करने का तरीका है कि थंब या थ्रस्ट एक ही चीज़ है, फर्स्ट फिंगर मतलब फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, तो रिमेनिंग फिंगर होगी दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो उससे हम इसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ, अगर किसी भी दो चीज़ की आपकी डायरेक्शन दी हुई है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दी हुई है, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट दी हुई है, फील्ड की डायरेक्शन दे रही है, तो रिमेनिंग करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो. फील्ड और करंट अगर दे रखा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या थ्रस्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो उसी के बेस के ऊपर डीसी मोटर की हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, या उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट हम करते हैं. तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है किसी भी जनरेटर के अंदर या किसी मोटर के अंदर जो तीन असेंशियल कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज द देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेदर इट इज परमानेंट मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, देयर शुड बी ए प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड वन, देयर शुड बी ए प्रेजेंस ऑफ करंट और वोल्टेज. एंड थर्ड वन, देट इज असेंशियल देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट. ओके, तो
यहाँ पे क्या है, ये मेरा फील्ड की डायरेक्शन है, दैट इज एन टू एस, एन एन से मेरा फ्लक्स निकलेगा, एस पे जाके टर्मिनेंट होगा। यहाँ पे मेरा ये कंडक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मेरे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, इसके आगे ब्रशेज लगे हुए हैं, और ये मेरी एक डीसी बैटरी कनेक्टेड है। तो ये डीसी बैटरी अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस मैंने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि इन द केस ऑफ मोटर वी आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिक वोल्टेज साइमल्टेनियसली वी आर गेटिंग एट द आउटपुट एज ए मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली कम्यूटेटर सेगमेंट का काम में करता है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में ये क्या है, एज ए इंसुलेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये प्लस माइनस डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है, ये कम्यूटेटर के ब्रशेस के थ्रू कम्यूटेटर पे जाएगा, कम्यूटेटर के थ्रू ये आपके करंट कंडक्टर्स में जाएगा, और फाइनली आपका प्रोडक्शन ऑफ थ्रस्ट या फोर्स का प्रोडक्शन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका, अगर थोड़ा सा इनलार्ज डायग्राम अगर देखते हैं, तो ये मेरे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, ये भी इसमें मेरा इंसुलेटर है, और ये मेरी एक कॉइल जो मल्टीपल टर्न्स की बनी हुई है जो यूज में ली जाती है। और इसी तरीके से इसका ये एक 3D व्यू है और ये एक मेरा 2D व्यू है। अब हम बात करते हैं कि कैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज में करते हैं, और कैसे उसमें करंट की क्या डायरेक्शन होगी जो ऑलरेडी गिवन है, कैसे उसकी थ्रस्ट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन निकलती है, क्योंकि बेसिकली वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट, देन वी आर गेटिंग द आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मेट क्या है कि रोटेशन, रोटेशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसको, मैकेनिकल थ्रस्ट या मैकेनिकल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये एक बैटरी लगी हुई है, दैट इज डीसी बैटरी, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द डीसी मोटर, देन डेफिनेटली वी आर यूजिंग इनपुट एज ए डीसी। तो डीसी है प्लस टू माइनस, तो आपके करंट जो निकलेगी दैट विल बी इमिटेड फ्रॉम, और देट विल बी स्टार्ट फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो प्लस टू माइनस को कवर करेगी, तो आपके क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, प्लस से लेके माइनस की तरफ में। ये करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है, ये आपके ये ब्रशेस के अंदर गई थी, देन कॉम्यूटेटर के अंदर, कॉम्यूटेटर से ये कॉयल के अंदर गई, कॉयल में भी क्या है, यहाँ पे ये इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अंदर की तरफ में जा रही है, इसने इस कॉयल को कंप्लीट किया, और वापस इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रही है, अगेन ये कम्यूटेटर में जाएगी, देन ब्रशेज में जाएगी, और फाइनली ये माइनस में जाके टर्मिनेट हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है कि जो कम्यूटेटर है, ब्रशेज है, वो जो एक्सटर्नल पोर्शन है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो जो भी फिनोमेना हो रही है या कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है, दैट इज हैपनिंग इन द कंडक्टर्स। और कंडक्टर से अगर एक नंबर ऑफ टर्न्स की अगर कोई ले रहे हैं, तो उसमें कंडक्टर कितने एग्जिस्ट करेंगे, दो कंडक्टर्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक राइट हैंड साइड में होगा। तो हम बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट लेफ्ट हैंड रूल की, क्योंकि डीसी मोटर पे काम कर रहे हैं, तो फ्लेम लॉरेंज का फोर्स यहाँ पे लगेगा, लॉरेंज फोर्स लगेगा, और लॉरेंज ने बोला था कि अगर आपको डीसी मोटर के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, देन यू हैव टू यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट हमें गिवन है, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी पता है। फील्ड क्यों पता है, क्योंकि एन और एस हमेशा परमानेंट मैग्नेट होंगे, देट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, और इन द केस ऑफ कंडक्ट, इन द केस ऑफ डीसी मोटर वी आर फेमिलियर विद द करंट डायरेक्शन, बट हियर अननोन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट। तो फील्ड की डायरेक्शन एन टू एस हो गई, तो ये मैं मान लेता हूँ कि एन पोल है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, एस पोल मेरा लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ये मैं कंसिडर करके चल लेता हूँ। और तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन टू एस, मतलब एन टू एस यानी लेफ्ट टू राइट आपकी क्या हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन, मतलब फर्स्ट फिंगर आपका शो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फील्ड कहाँ है, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ, लेफ्ट से लेकर राइट। तो अपन अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए आप इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू लेके लेफ्ट से राइट की तरफ में। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इस लैपटॉप की जो स्क्रीन है, इस पीसी की जो स्क्रीन है, इसके अंदर की तरफ में, तो जो मिडिल फिंगर है दैट विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो जो रिमेनिंग आपका थ्रस्ट थंब है वो क्या शो कर रहा है, आपकी डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट को शो कर रहा है, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कर रहा है, कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर के ऊपर जो आपका फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट फिंगर आपका लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है, मिडिल फिंगर है जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो रिमेनिंग थर्ड थंब है वो क्या करेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगा या काम में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कंडक्टर की। दूसरे कंडक्टर में क्या है, फील्ड की डायरेक्शन अभी भी क्या है, एन से एस की तरफ में ही है, ओके, लेफ्ट टू राइट है। डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ में, मतलब इस पीसी की स्क्रीन के बाहर की तरफ में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में।
तो थंब की डायरेक्शन अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फिंगर आपका लेफ्ट टू राइट और आपका फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर है दैट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो थंब है वो क्या हो जाएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर है दैट इज एग्जिस्ट इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर मतलब लेफ्ट हैंड साइड के कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस पे राइट हैंड साइड का जो कंडक्टर उस पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लेफ्ट और इस पे राइट, तो ये क्या हो जाएगा घूमने लग जाएगा, क्योंकि एक कंडक्टर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दूसरे पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, तो ये क्या हो जाएगा रोटेट होना लग जाएगा। तो रोटेट होना जाए मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इनपुट दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दी है तो आउटपुट में आपको क्या मिला है मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में आपको मिली है, और इसी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया है। तो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर एंड ब्रशेज कंडक्टर ऑफ लूप ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज कैरीज करंट इन वन डायरेक्शन एंड द कंडक्टर ऑन राइट हैंड साइड ऑलवेज कैरी कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम इज गिवन बी। क्योंकि देखो प्रीवियस क्लास के अंदर जिससे डीसी जनरेटर की हमने बात की थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रशेज आपके कॉम्यूटेटर सेगमेंट्स के ऊपर कंटिन्यूसली रोटेट हो रहे हैं, लेकिन जो कंडक्टर्स के अंदर करंट है, लेकिन जो करंट कंडक्टर्स के अंदर जो करंट की फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग ए सच अरेंजमेंट ऑफ द कम्यूटेटर एंड ब्रशेस देयर विल बी नो चेंजिंग ऑफ द करंट इन द आइदर कंडक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्न विच इज टेकन इन दिस पर्टिकुलर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रही है तो जो लोरेंज फोर्स लगेगा वो लेफ्ट फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से लगेगा, और लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी फिक्स है और एन और एस पोल हमेशा आपके स्टेशनरी रहेंगे जो कभी चेंज नहीं होंगे, तो उनकी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी पर्टिकुलर कंडक्टर पे चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड के कंडक्टर पे हमेशा जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो राइट हैंड साइड के जो कंडक्टर है उस पे हमेशा जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन के अंदर आपका रोटेट होता रहेगा। तो ये आपका एक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर था, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर था जिसको हम फेराडे लॉरेंज फोर्स से और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमने इजीली से समझा है कि इसमें कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल और ये कैसे डीसी मोटर है कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।